इट इज फॉर कंडक्शन ऑफ एयर, ये कंडक्ट करेंगी सिर्फ एयर को, इनका काम है कंडक्शन ऑफ एयर। और लास्ट जो सेवन डिवीजन है आफ्टर 16, 17 to 23, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। देन वी डिस्कस टाइप वन सेल्स एंड टाइप टू सेल्स ऑफ द एल्वोलाई, ठीक है। एंड टाइप वन सेल्स आर प्राइमरी लाइनिंग सेल्स एंड टाइप टू सेल्स कॉल्ड ग्रेनुलर नेमोसाइट्स विच सिक्रीट सर्फेक्टेंट। लेटर ऑन वी डिस्कस द सर्फेक्टेंट के what is the formation of surfactant and what is the function of surfactant. Apart from surfactant type 1 and type 2 cells, we have alveolar macrophages, lymphocytes, plasma cells, mast cells, and also these cells are also present in the alveoli. इसमें देखेंगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से मेन लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकस, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वोलाय। ये स्ट्रक्चर इस तरह जो है आगे अप टू द एंड ऑफ द एल्वोलाय पे एंड होगी। After that, we discuss the pressures, very important pressure in the thorax. ठीक है, कौन कौन से प्रेशर थॉरेक्स में है, इसको दोबारा से मैं इस पर एम्फोसाइज करूंगा इस पिक्चर पे। टॉप पे जो ये रेड लाइन है ये शो कर रही है लंग्स वॉल्यूम को, तो ये जीरो से शुरू होके अप टू 0.5 लीटर तक जा रही है, यानी 500 ml ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन फेज है। और देन इट कम्स डाउन अगेन टू द सेम पॉइंट विच इज जीरो। तो जब हम ईच ब्रीथ करते हैं, ब्रेथ करते हैं, वी टेक इन एयर इनसाइड एंड देन वी एक्सपायर्ड इट। तो जब हम टेक इन कर रहे हैं तो अबाउट 500 ml वी टेक इन एंड आफ्टरवर्ड 500 ml टेक आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ये वॉल्यूम हो गया ईच ब्रेथ का। सेकेंडली दिस शोज द एल्वियोलर प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर, और दूसरी नीचे वाली कर्व है प्लूरल प्रेशर। तो मेन दो प्रेशर्स हो गए, एल्वियोलर एंड प्लूरल प्रेशर। इसको फॉलो करें, एल्वियोलर प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तकरीबन ये जीरो से है। इन द मिड ऑफ द इंस्पायरेशन इट इज अबाउट -1, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इन द मिड ऑफ द एक्सपायरेशन एल्वियोलर प्रेशर कितना हो गया +1, ठीक है। -1 और +1 याद रखें। इसके बाद प्लूरल प्रेशर को देखें कर्व को, ये -5 से स्टार्ट हो रही है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं और तकरीबन मिड या उससे ज्यादा इंस्पायर कर लेते हैं तो ये तकरीबन -7, -8 तक भी जाती है। अगर डीप इंस्पायरेशन करें तो ये कर्व और भी -8 से भी बियॉन्ड जाएगी प्लूरल प्रेशर वाली कर्व। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये फिर ऊपर आ रही है और तकरीबन ये फिर दोबारा -5 पे जा रही है। ठीक है जी, अब ये दो कर्व याद रखें, एल्वियोलर प्रेशर कर्व और प्लूरल प्रेशर कर्व। अब इसकी हम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं।
सही, ट्रांसपरमिटिव जी, ट्रांसपरमिटिव भी बताते हैं आपको, बताते हैं जी। अच्छा अब ये देखें, प्रेशर इन थॉरस में पहले हमने डिस्कस किया प्लूरल प्रेशर या इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एक का याद रखें, प्लूरल प्रेशर इज अ प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लूरा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विस्सेरल प्लूरा एंड पाराइटल प्लूरा। दिस क्रिएट अ पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। The pressure in this space is usually negative, which causes lung expansion, and it's called as pleural pressure. इसको negative होना है ताकि lung जो है expand रहे। If pleural pressure become positive, तो lungs जो है वो collapse कर जाएंगे। अब ये generate कैसे होता है pleural pressure? Lungs are collapsed in intrauterine life. लेकिन जब बेबी की बर्थ होती है तो फौरन आफ्टर बर्थ बेबी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग क्राई एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच थोरेसिक वाल जो है एक्सपेंड कर जाती है एंड नेगेटिव प्लूरल प्रेशर इज प्रोड्यूस। सर सही, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब है? यस सर, नेगेटिव प्रेशर जो है और पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव अगर किसी प्रेशर का सम जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो डिफ्लेट प्रेशर है, और किसी प्रेशर का सम नेगेटिव है तो वो डिफ्लेट प्रेशर है, और अगर पॉजिटिव है तो इन्फ्लेट प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इन्फ्लेशन प्रेशर सम अप अगर करें, और अगर नेगेटिव होगा तो डिफ्लेट प्रेशर होगा। डिफ्लेट यानी एक्सपेंशन या इन्फ्लेशन, डिफ्लेट जो है वो इन्फ्लेट अगर रन कर रहा है तो वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होगा। ठीक है, इन्फ्लेटिंग प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा और डिफ्लेटिंग प्रेशर नेगेटिव होगा। तो अब ये प्रेशर जो है बाय बर्थ क्रिएट हो जाता है, ये इसलिए क्रिएट होता है कि इसने लंग्स को एक सर्टेन पोजीशन में हेल्ड रखना है। ठीक है, और उधर से फिर जब हम इंस्पायर करेंगे तो लंग्स जो है इन्फ्लेट होगा, और जब हम एक्सपायर करेंगे तो लंग्स केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। प्लूरल पोजिशन एट द स्टार्ट ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन जो है -3 है, और एट द एंड ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन इट इज 8। ठीक है, -3 से 8 तक इसकी रेंज है। ठीक है, अगेन ग्राफ को देख लें, ये प्लूरल प्रेशर कर्व है। ठीक है, तकरीबन ये -3 से यहाँ से ले लें या -5 कई बुक्स में लिखा है -5 to -8, लेकिन अगर -3 भी लें तो यहाँ से करवाएगी नीचे। ठीक है, एक रेंज दे दी है उसने, सम बुक्स अगर 5 लिख रही हैं तो 5 यहाँ है, तो -5 से -8 तक जाएगा इंस्पिरेशन में, और फिर अगेन जो है ये केम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल, ये प्लूरल प्रेशर हो गया। इसके बाद जो है आपका एल्वियोलर प्रेशर जो है कर्व है, एल्वियोलर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, एल्वियोलाई के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, जो कि क्वाइट इंस्पिरेशन में स्टार्ट में 0 है, मिड में इंस्पिरेशन के -1 चला गया, ठीक है, और मिडिल ऑफ क्वाइट एक्सपिरेशन में +1 चला गया। अगेन कर्व को देख लें, ये -1 आ गया इधर मिड में इंस्पिरेशन के, और एक्सपायरेशन में ये +1 पर चला गया एल्वियोलर प्रेशर। तो ये दो प्रेशर काइंडली याद रखें, और तीसरा हमारा जो सरफेस पे प्रेशर है आउटसाइड द चेस्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी याद रखें, प्लूरल एल्वियोलर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको यहाँ आएगा रेफरेंस, दीज वैल्यू आर विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
वो 760 है, वन एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 750, और एक मिलीमीटर और मर्करी जो है 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर। हम वाटर प्रेशर ले रहे हैं, ये तो एयर प्रेशर नहीं। जी बताइएगा जी। अब इसके अलावा ट्रांसम्यूरल प्रेशर्स हैं कुछ, ठीक है, ट्रांसम्यूरल। इसकी स्लाइड में मैंने शो नहीं किया हुआ, आप इसको या तो राइट डाउन कर लें या इसको बस अभी सुन के याद कर लें, ठीक है। ट्रांसम्यूरल प्रेशर, तीन प्रेशर पहले हमने डिस्कस किए, अल्वुलर प्रेशर, इंट्रा अल्वुलर कह लो या इंट्रा पुलर कह लो या पुलर प्रेशर कह लो या अल्वुलर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसम्यूरल प्रेशर की। ट्रांसम्यूरल प्रेशर इज अ प्रेशर अक्रॉस द वॉल, ठीक है, अक्रॉस द वॉल कोई प्रेशर होगा तो वो ट्रांसम्यूरल है। अब वो अक्रॉस द वॉल ऑफ एल्वोलाई हो तो ऐसी, तो ये ठीक है, तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या है, एल्वोलाई की वॉल है, एल्वोलाई की स्ट्रक्चर देखिए, एल्वोलाई बना हुआ है, उसके अराउंड जो है फिर आपकी थोरेसिक कवरिंग है, तो इस एल्वोलाई के वॉल के बाहर प्रेशर है वो ट्रांसम्यूरल है, और थोरेसिक वाला वॉल के बाहर भी जो है वो भी ट्रांसम्यूरल प्रेशर है। अब इसमें भी तीन प्रेशर होते हैं ट्रांसम्यूरल में, और मैंने आपको पहले बता दिया अगर कोई प्रेशर किसी का सम प्लस में आ रहा है तो वो इन्फ्लेट प्रेशर है, और किसी का अगर नेगेटिव में सम अप आ रहा है तो वो डिफ्लेट प्रेशर है। अब ट्रांसम्यूरल में भी तीन है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ट्रांस थोरेसिक प्रेशर एंड ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। तो तीन प्रेशर ट्रांसम्यूरल है, अक्रॉस द वॉल है, ठीक है। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर क्या है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एल्वुलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर, एल्वुलाय प्रेशर इन द एल्वुलाय एंड प्रेशर इन द प्लूरा, अगर इसका डिफरेंस करें, ठीक है, तो वो आपका ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर होगा। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर क्या है, प्रेशर इन द प्लूरा माइनस प्रेशर इन द प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल प्रेशर, एल्वोलर प्रेशर माइनस प्लूरल प्रेशर, इट इज ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। अब एल्वोलर प्रेशर कितना है स्टार्ट में, जी बताएं। एल्वोलर प्रेशर कितना है, जीरो, ठीक है, और हमने कहा प्लूरल प्रेशर कितना है स्टार्ट में, माइनस फाइव, ठीक है, तो जीरो माइनस माइनस फाइव तो इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस फाइव, तो प्लस में अगर आ गया तो ये इन्फ्लेट प्रेशर है या डिफ्लेट है, इन्फ्लेट जी, प्लस में अगर आ जाए तो इन्फ्लेट है या डिफ्लेट प्रेशर है, इन्फ्लेट, इन्फ्लेट, ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह अगर एल्वोलाई का प्रेशर जीरो है स्टार्ट में और प्लूरल का माइनस एट है तो ये हो जाएगा प्लस एट, अगर इक्वेशन बनाएंगे तो जीरो माइनस ब्रैकेट माइनस एट, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एट आ जाएगा, तो ये अगेन जो है इन्फ्लेट प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा ट्रांसपल्मोनरी, तो यही हो गया कि एल्वोलाय का और प्लूरल का डिफरेंस जो है वो ट्रांसपल्मोनरी है। अब आ जाए ट्रांस थोरेसिक प्रेशर, थोड़ा सा वेट करें, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, आसिम मोहम्मद आसिम काइंडली सबको शेयर कर देना फॉर अटेंडेंस। शर्मा स्टेज का टाइम हो गया है,
किस कारण? टेस्ट होना है हमारा, स्टेज है आज। स्टेज है? यस सर, नॉट मी भी। कितने बजे? सर 11 बजे, 5 मिनट। ओके ठीक है। मैंने ना ये लिंक ग्रुप बी जो मेरा ट्यूटोरियल का है मैंने उसमें शेयर कर दी है। मोहम्मद आसिम प्लीज शेयर दिस लिंक टू अदर वंस फॉर अटेंडेंस। ठीक है, मोहम्मद आसिम है, मुदस्सिर, मैमूना, महक, फातिमा, मरियम, प्लीज शेयर दिस लिंक टू अदर्स फॉर अटेंडेंस। चले हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, अगर आपकी स्टेज है। लेकिन ये मैं लिंक उधर मैंने शेयर कर दिया है अपने ग्रुप में, तो अटेंडेंस सारे मार्क कर लें।